वो मुझे ऐसे देखते जैसे इंसान अपनी किसी मजबूरी को देखता हो। बेजारी से, झुंझलाहट से। नहीं बेटे, उसने अपनी मर्जी से शादी किया है तुमसे। मर्जी से शादी है कि ये जबरदस्ती की शादी है? अब सोचते जैसे दो इंसान अपनी मजबूरी का सौदा कर रहे हो। जब मैं मजबूर थी उन्होंने मेरी मदद की, और जब वो मजबूर हुए तो अपनी मदद का बदला मांग लिया उन्होंने। चलो ठीक है बेटा, वो तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो आपका निकाह है और निकाह बहुत मजबूत करता है दो लोगों के रिश्ते को। मुझे कमजोर कर दिया आंटी। एक खुदा रही थी मेरे पास और वो भी छीन ली उन्होंने। ये उसका फर्ज है कि तुम्हारी जरूरतें पूरी करे, वो तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा बेटा। ये मेरी जरूरतों के लिए तो नहीं, ये मेरी मजबूरियों की कीमत है, मुझे घर बिठाने की कीमत है। माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों में से होता है, और इसी एक रिश्ते ने बासित को सबसे ज्यादा हर्ट किया है। एक छोटे से मासूम से बच्चे को जब उसकी माँ हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, उसे अबैंडन कर देती है, तो उस बच्चे का दिल टूट जाता है और वो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मेरे और बासित के दरमियान यादों की जो तल्ख दीवार खड़ी है, मैंने उसे गिराने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। वो अभी तक यही समझता है कि मैं आज भी उसको छोड़कर चली जाऊंगी। आयशा, तुम उसे कभी मत छोड़ना, प्लीज। उसे कभी अबैंडन ना करना मेरी तरह, प्लीज डोंट गिव अप ऑन हिम। I know I'm asking for too much. Please, जो मैंने किया वो मत करना, वरना वो कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकेगा। कभी एक ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकेगा जो एक खुश और मुतमईन जिंदगी हो। जी मैं हूं मायूस सईद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लंदन नहीं जाऊंगा, कि सारी म्यूजिक वीडियोस या म्यूजिक अपडेट्स या न्यूज़ के लिए आप ARY डिजिटल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।